नमस्कार, आई वेलकम यू इन द प्रभात लैंग्वेज क्लासेज। स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी एन एसे नेम्ड माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। दिस एसे इज इन क्लास 11th सिलेबस ऑफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। इन दिस एसे द राइटर टेल अस about the difficulties which he faced in getting good education। यह ऐसे एक ऐसे राइटर की कहानी है जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्षों को झेला था। आप इस टाइटल से ही स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते हैं, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष होता है, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। तो शिक्षा है तो मेरा संघर्ष, ये नाम है टाइटल का। हम जानते हैं कि राइटर कौन हैं। स्टूडेंट्स, द राइटर इज Booker T. Washington। Booker Telfairo Washington, he was born on April 5, 1856 and died on November 14, 1915. He was an African-American educator, author, orator and advisor to presidents of the United States between 1890 and 1915. Washington was the dominant leader in the African American community। कह रहे हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय के ये डोमिनेंट लीडर थे, प्रमुख लीडर थे वाशिंगटन। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम आप उनके शिक्षा हेतु किए गए संघर्षों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। टेक्स्ट पर पहुंचते हैं। वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, आई हैपेंड टू ओवरहियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town। Students, देखें, writer कहता है कि one day, एक दिन, while at work, जब मैं कार्य पर था, कहाँ? In the coal mine। Coal mine, कोयले की खान में जब मैं काम पर था, तो आई हैपेंड टू ओवर हीयर। हैपन मीन्स घटित होना होता है, ओवर हीयर मीन्स छिप कर सुनना, अर्थात संयोग से मुझे छिप कर सुनने का अवसर मिला। किसको? टू माइनर्स, दो खनिकों का, खनिक जो खान में काम करते हैं। टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल, वे करें कि अश्वेत लोगों के एक महान स्कूल के विषय में बातचीत कर रहे थे, जो कहाँ था? समवेयर इन वर्जीनिया, वो वर्जीनिया में कहीं स्थित था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह प्रथम अवसर था, दैट आई हैड इवर हर्ड, कि मैंने कभी सुना एनी थिंग, कुछ भी, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल या कॉलेज, किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के विषय में, दैट वॉज मोर प्रटेंटियस, जो ज़्यादा ही शानदार था, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल, अपेक्षाकृत उन छोटे छोटे अश्वेत लोगों के लिए जो स्कूल बने हुए थे इन आवर टाउन, हमारे कस्बे में। तो जब राइट उन माइनर्स को स्कूल के विषय में बातचीत करते हुए सुना, तो आगे वो डिस्क्राइब करता है कि एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जो जो वे
उस स्कूल के विषय में डिस्क्राइबिंग अर्थात वर्णन करना वेंट ऑन जारी रखे गो ऑन का सेकंड फॉर्म वेंट है. इट सीम टू मी मुझे ऐसा लगा दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ यह पृथ्वी पर का सबसे महानतम स्थान अवश्य होगा. नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस यहाँ तक कि स्वर्ग भी हेवन मीन्स स्वर्ग यहाँ तक कि स्वर्ग भी नहीं प्रेजेंट किया प्रस्तुत किया मोर अट्रैक्शंस ज़्यादा आकर्षण फार्मी मेरे लिए एट दैट टाइम उस समय देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जितना अट्रैक्शन हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने किया संस्था ने किया जो कहाँ था इन वर्जीनिया अबाउट विच जिसके विषय में दीज मेन वे टॉकिंग ये लोग बातचीत कर रहे थे. आई रिजॉल्व एट वंस रिजॉल्व मीन्स निश्चय करना. आई रिजॉल्व एट वंस मैंने तुरंत निश्चय किया प्रतिज्ञा किया दृढ़तापूर्वक क्या टू गो टू दैट स्कूल उस स्कूल जाने के लिए. ऑल्दो यद्यपि आई हैड नो आइडिया मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि वेयर इट वाज ये था कहाँ और हाउ मेनी माइल्स अवे कि कितनी माइल दूर पर ये था और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट या फिर मैं कैसे यहाँ पहुँचने जा रहा था इसकी कोई आइडिया मेरे पास नहीं थी. आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली ऑन फायर अर्थात ओ जिस वक्त ऑन फायर एक अंदर एक भाव था एक विचार था ऑन फायर जैसे मैं प्रज्वलित था अर्थात मेरे अंदर ये भाव एकदम दहक रहा था. क्या कंस्टेंटली लगातार विथ वन एम्बिशन केवल एक महत्वाकांक्षा से एक प्रबल इच्छा से दैट एंड दैट और यह वाज यह था क्या टू गो टू हैम्पटन हैम्पटन जाने का तो मेरे अंदर केवल हैम्पटन जाने की प्रबल इच्छा हमेशा दहक रही थी. दिस थाट यह विचार वाज विथ मी डे नाइट मेरे साथ दिनों रात था हमेशा ये विचार था कि मैं कैसे वहाँ पहुँचने वाला था मुझे पहुँचना था वहाँ. इन द फॉल ऑफ 1872 1872 के पतझड़ में आई डिटरमिन्ड मैं निश्चय किया टू मेक एन एफर्ट एक प्रयास करने का टू गेट देयर वहाँ पहुँचने का. माई मदर वॉज ट्रबल्ड मेरी माँ कष्ट में थी विथ अ ग्रेव फियर एक गंभीर डर से दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट वह यह था कि मैं प्रारंभ करने वाला था ऑन वाइल्ड गूज चेस एक असंभव कार्य के लिए. एट एनी रेट किसी ढंग से आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट मैं पाया ओनली हाफ हार्टेड अधमने ढंग से कंसेंट सहमति फ्रॉम हर उससे माने अधमने ढंग से सहमति दे दिया क्या दैट आई माइट स्टार्ट कि मैं अपनी यात्रा शुरू कर सकता था. आई हैड वेरी लिटिल मनी मेरे पास बहुत थोड़ा सा धन था विथ विच जिससे टू बाय क्लॉथ्स कपड़े खरीदता एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और अपने यात्रा के एक्सपेंसेस को खर्चों को अदा करता. माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी मेरा भाई जॉन मेरी मदद किया ऑल दैट ही कूड वह सब कुछ जो उससे हो सका बट ऑफ कोर्स लेकिन वास्तव में दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील वह पर्याप्त नहीं था. A great deal means प्रचुर अधिक या अनेक तो जॉन ने जो हेल्प किया वो बहुत नहीं था. फाइनली द ग्रेट डे केम फाइनली द ग्रेट डे केम अंततः वो महान दिन आ गया एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन और मैं हैम्पटन के लिए अपनी यात्रा शुरू किया. I had only a small cheap satchel. मेरे पास केवल एक छोटी सी सस्ती सी बैग थी that contained जिसमें समाहित थे some the few articles of clothing कुछ पोशाक. I
कुड गेट जो मैं पा सका था। माई मदर वॉज एट द टाइम सॉरी माई मदर एट दैट टाइम वॉज रादर वीक। उस समय मेरी माँ अपेक्षाकृत ज़्यादा ही कमज़ोर थी एंड ब्रोकन इन हेल्थ तथा अस्वस्थ थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन। पुनः उनको देखने की मैं मुश्किल से उम्मीद किया था कि शायद वापस मेरे आने पर वो शायद ही रहें। एंड दस और इसलिए आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोस्ट सैड। हमारा अलग होना ज़्यादा ही दुखदाई था। सी हाउ एवर जबकि सी वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। इन सब के दौरान सी वॉज वेरी ब्रेव बहुत बहादुर थी अर्थात उन्होंने बहुत अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखा एंड सी गिव परमिशन टू द राइटर टू गो देयर। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, अगला पैराग्राफ हम देखते हैं इसमें क्या है। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। कह रहे हैं कि माल्डन से माल्डन जो कि उसका स्थानीय शहर का नाम था जहां वो रहता था वहां से हैम्पटन की दूरी 500 मील थी। By walking, begging rides both in wagons and in the cars, कह रहे हैं पैदल चल के begging rides और सवारियों पर प्रार्थना करके किस पर wagons में तागों में and in the cars और कारों में। In some way किसी ढंग से after a number of days कई दिनों बाद I reached the city of Richmond, Virginia। मैं वर्जीनिया के रिचमंड शहर में पहुंचा अबाउट 82 माइल्स फ्राम हैम्पटन जो हैम्पटन से लगभग 82 मील दूर था। व्हेन आई रीच्ड देयर जब मैं वहां पहुंचा तो टायर्ड हंग्री एंड डर्टी मैं क्या था थका हुआ था भूखा था गंदा था अर्थात स्नान नहीं किया था कपड़े नहीं धुले थे। इट वॉज लेट इन द नाइट ये रात्रि में काफ़ी लेट में पहुंचा वहाँ। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी मैं कभी भी बड़े शहर में नहीं रहा था एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी मेरे मिजरी अर्थात मेरे कष्ट को अपेक्षाकृत यह और जोड़ा। When I reached Richmond, जब मैं रिजमेंट पहुँचा I was completely out of money, मैं पूर्णतया धनविहीन था। I had not a single acquaintance, मेरे पास एक भी परिचित नहीं था जाना पहचाना नहीं था in the place उस स्थान में and being unused to city ways और उस शहर के वेज से रास्तों से भी हो सकता है तौर तरीक़ों से भी हो सकता है वेज मतलब शहर के रास्तों और तौर तरीक़ों से अनभ्यस्त होने के कारण आई डिड नॉट नो वेयर टू गो मैं जानता नहीं था कि कहाँ जाएं। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस मैं कई स्थानों पर पूछा कहा फॉर लॉजिंग निवास के लिए रुकने के लिए बट दे ऑल वांटेड मनी वे सब के सब धन चाहते थे एंड दैट वाज व्हाट और यही वह चीज़ था आई डिड नॉट हैव जो मेरे पास नहीं था क्या धन। नोइंग नथिंग इल्स बेटर टू डू करने में और कुछ बेहतर न जानने के कारण आई वॉक्ड द स्ट्रीट्स में गलियों में टहलता रहा। देन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर पहुंचते हैं। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट मैं अवश्य ही अर्धरात्रि के बाद तक गलियों में टहला रहा हूँ। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड अंततः मैं इतना थक गया दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर कि मैं और अधिक नहीं चल सका। आई वॉज टायर्ड मैं थका हुआ था आई वॉज हंग्री मैं भूखा था आई वॉज एवरीथिंग मैं सब कुछ था बट डिस्करेज्ड सिवाय हतोत्साहित होने का अर्थात मेरा उत्साह बना हुआ था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन ठीक उस समय जब मैं फिजिकल एग्जॉशन शारीरिक थकावट के एक्सट्रीम पर पहुंचा अर्थात चरम पर पहुंचा आई केम अपॉन
अ पोर्शन ऑफ स्ट्रीट में एक गली के ऐसे भाग में पहुंचा वेयर द ब्रॉड साइडवॉक जहां पर चौड़ा पगडंडी का जो रास्ता था वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड वो काफ़ी हद तक उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स मैं कुछ मिनट प्रतीक्षा किया टिल आई वाज श्योर जब तक मैं निश्चित हो गया दैट नो पासर्स बाय कुड सी मी कोई भी राहगीर मुझे नहीं देख सकता था। जब इस बात पर मैं निश्चित हो गया एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइडवॉक तब मैं रेंगते हुए उस पगडंडी के नीचे गया एंड ले फॉर नाइट और रात्रि बिताने के लिए लेट गया। कहाँ लेट गया? अपॉन द ग्राउंड जमीन पर विथ माई सचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर ए पिलो अपने कपड़े की बैग को तकिया बनाते हुए। Nearly all night, लगभग पूरी रात्रि I could hear the tramp of feet, मैं चहलकदमी सुन सकता था over my head अपने सिर के ऊपर अन्य लोगों के जाते हुए पैरों की आवाज़ को मैं सुन सकता था। Students, tramp means होता है भटकना सैर करना पैदल चलना तो tramp of feet अर्थात पैदल चलने वाले लोगों के पैरों की आवाज़ को मैं सुन सकता था। नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम पहुँचते हैं स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवाट रिफ्रेश्ड अगली सुबह मैं अपने आप को पाया समवाट काफ़ी कुछ रिफ्रेश्ड तरोताज़ा बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री लेकिन मैं अत्यधिक भूखा था। एज सून एज इट बिकेम लाइट इनफ ज्यों ही पर्याप्त प्रकाश हो गया फॉर मी मेरे लिए टू सी माई सराउंडिंग्स अपने इर्द गिर्द देखने के लिए तो आई नोटिस दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप मैंने देखा कि मैं एक बड़ी सी जहाज के नज़दीक था। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग यह उतारी जाती हुई प्रतीत हो रही थी अ कार्गो ऑफ पिग आयरन कच्चे लोहे के बोझे को उतारा जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। I went at once to the vessel मैं तुरंत जहाज के पास गया and asked the captain to permit me और कैप्टन से कहा कि मुझे परमिट कर दे मुझे आज्ञा दे दे to help unload the vessel उस जहाज को उतारने में अर्थात जहाज से सामग्री उतारने में मदद करने में in order to जिससे कि get money में पैसा पा सकूँ फॉर फूड भोजन हेतु। द कैप्टन अ वाइट मैन उस जहाज का जो कैप्टन था जो सफ़ेद मैन अर्थात अंग्रेज था हु सीम टू बी काइंड हार्टेड जो दयालु हृदय का प्रतीत हो रहा था कंसेंटेड सहमत हो गया। आई वर्ड लॉन्ग इनफ मैं काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया टू अर्न मनी पैसा कमाने के लिए फॉर माई ब्रेकफास्ट अपने नाश्ता हेतु। And it seems to me और मुझे ऐसा लगता है as I remember it now जब मैं इसे अब याद करता हूँ राइटर जब इस लेसन को लिख रहा था कहा जब मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट कि यह नाश्ता सब सर्वोत्तम रास्ता था that I have ever eaten जिसको मैंने कभी खाया यानी जब वो लेसन लिख रहा था तब तक वो जितने नाश्ते लिया था उनमें सबसे अच्छा नाश्ता यही था जब वह हार्ड वर्क करके पैसा अर्न करके नाश्ता लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स My work pleased the captain so well. मेरा कार्य कैप्टन को इतने अच्छे ढंग से खुश कर दिया that he told me I could continue working for a small amount per day कि मैं छोटी सी अमाउंट पर छोटे से उस पैसे पर प्रत्येक दिन काम करना जारी रख सकता था ऐसा मुझे उसने परमिट किया अलाउ किया दैट आई वॉज वेरी ग्लेड टू डू उसे करने में मैं बहुत प्रसन्न था मैं बहुत खुश था। I continued working on this vessel. मैं इस vessel पर काम करना जारी रखा for number of okay
फॉर नंबर ऑफ डेज, कई दिनों तक, आफ्टर बाइंग फूड विद द स्मॉल वेजेस, उस छोटे से वेजेस अर्थात मजदूरी पर, उस छोटे से कमाई पर, आई आफ्टर बाइंग फूड, भोजन खरीदने के बाद, देर वॉज नॉट मच लेफ्ट, पर्याप्त नहीं बचता था टू पे माई वे टू हैम्पटन, अपने हैम्पटन के रास्ते अदा करने के लिए, कि हैम्पटन जाता तो जो खर्च लगता हो उस खर्च के लिए पर्याप्त नहीं बचता था। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी पॉसिबल वे, कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज, बचाने के क्रम में, इन एवरी वे पॉसिबल, प्रत्येक संभव ढंग से, आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, मैं पगडंडी के नीचे सोना जारी रखा। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, व्हेन आई हैड सेव्ड एनफ मनी, जब मैं पर्याप्त धन बचा लिया था, विथ विच टू रीच हैम्पटन, जिससे हैम्पटन पहुंचता, तो आई थैंक्ड द कैप्टन ऑफ द वेसल, मैं जहाज के कप्तान को धन्यवाद दिया फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड स्टार्टेड अगेन, और पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दिया। विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस, बिना किसी अप्रिय घटना के, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया, विथ अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, सरप्लस बचत, एक बचत के साथ, कितना बचत था, एग्जैक्टली 50 सेंट्स, पूरे पार 50 सेंट की बचत के साथ, विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन, जिससे मैं अपनी शिक्षा शुरू करता। द साइट, द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, वो जो प्रथम दृश्य था उस लार्ज, बड़ी सी 3-story 3 मंजिले ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, ईंट से बनी हुई उस स्कूल का जो भवन था, उसका प्रथम दृश्य, सीम टू हैव रिवार्डेड मी, मुझे पुरस्कृत करते हुए प्रतीत हुआ, फॉर ऑल, उन सभी चीज़ों के लिए, दैट आई हैड अंडरगॉन, जिस जो चीज़ें मैं झेला था, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, उस स्थान पर पहुंचने के लिए, उन सब के लिए पुरस्कृत करते हुए प्रतीत हुआ वो दृश्य। द साइट ऑफ इट, इसका दृश्य, सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ, मुझे नया जीवन देता हुआ प्रतीत हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, Hampton संस्थान के ग्राउंड में, अर्थात उसके फील्ड में, वहाँ उस ज़मीन पर पहुँचने के जितनी जल्दी हो सका संभव, उतनी जल्दी, I presented myself, मैंने खुद को प्रस्तुत किया बिफोर द हेड टीचर, प्रधाना अध्यापिका के सामने, फॉर असाइनमेंट, स्वीकृति हेतु, टू अ क्लास, एक कक्षा में। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, इतने लंबे समय से बिना उपयुक्त भोजन के होने के कारण, अबाथ, बिना उपयुक्त स्नान के, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, और कपड़ों के परिवर्तन के, इन सब के बिना क्या हुआ कि आई डिड नॉट ऑफ कोर्स वास्तव में आई डिड नॉट मेक, मैं नहीं बनाया अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन, बहुत फेवरेबल इम्प्रेशन, यानी कि कृपापूर्ण प्रभाव नहीं बना सका, कि मेरे उसके ऊपर कृपा करता, किस पर प्रभाव नहीं बना सके, अपान हर, उसके ऊपर, हर मतलब वो हेड टीचर जो थे उसके ऊपर। And I could see at once, और तुरंत मैं देख सकता था, that there were doubts in her mind, कि उसके मस्तिष्क में संदेह था, about the wisdom of admitting me, मुझे दाखिला देने की बुद्धि पर, मुझे दाखिला देने के निर्णय पर, कैसे, as a student, यानी कि विद्यार्थी के रूप में मुझे दाखिला देने वाले निर्णय पर, विचार पर, उसके माइंड में डाउट था, संदेह था। फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, क्योंकि कुछ समय तक उसने रिफ्यूज नहीं किया, इनकार नहीं किया, टू एडमिट मी, मुझे दाखिला देने से,
Neither did she decide in my favor, और न ही वह मेरे पक्ष में निर्णय की. And I continued to linger about her, और मैं जारी रखा to linger रुकना about her उसके पास. And to impress her in all the ways, और उसको प्रभावित करने का प्रत्येक तरीके से I could, जिससे मैं प्रभावित कर सकता था with my worthiness अपनी योग्यता से. In the meantime, इसी दौरान I saw her admitting other students, मैंने उसको देखा admitting दाखिला देते हुए other students दूसरे विद्यार्थियों को. And that added greatly, और वही बात काफ़ी हद तक जोड़ दिया था to my discomfort मेरी बेचैनी को. यानी कि जब इन्होंने देखा कि other students का admission हो रहा था और इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था तो writer कुछ ज़्यादा ही डिस्कम्फर्ट फील किया, ज़्यादा ही बेचैनी महसूस किया. फॉर आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, क्योंकि मैं अपने हृदय की गहराई में महसूस किया था दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, कि मैं भी वैसे कर सकता था जैसा कि वे कर रहे थे. इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस, यदि केवल मुझे एक अवसर मिलता टू सो दिखाने का कि वाट वाज इन मी, मेरे अंदर क्या था, अर्थात मेरे अंदर कौन सी एबिलिटी थी, ये दिखाने केवल अवसर मिलता तो दिखा देता, ऐसा राइटर सोच रहा था. नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटे बीत जाने के बाद द हेड टीचर सेड टू मी, प्रधानाध्यापिका ने मुझसे कहा दैट ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन रूम, बगल का काव्य पाठ का जो कमरा था नीड स्वीपिंग, उसे झाड़ू लगाने की आवश्यकता थी. टेक द ब्रूम, झाड़ू उठाओ एंड स्वीप इट, और इसकी सफाई कर दो, ऐसा आदेश मिला. इट अकर्ड टू मी एट वंस, मुझे तुरंत ऐसा लगा, अकर्ड लगा दैट कि हियर वॉज माई चांस, यही मेरा अवसर था. नेवर डिड आई रिसीव, कभी भी मैंने नहीं स्वीकार किया था एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, कह रहे हैं कि कोई भी आज्ञा ने जितनी डिलाइट के साथ, जितनी प्रसन्नता के साथ इन्होंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, उतनी प्रसन्नता से कभी भी इन्होंने कोई आज्ञा स्वीकार नहीं किया था. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम पहुँचते हैं. आई स्वेप्ड द रजिस्ट्रेशन रूम थ्री टाइम्स, मैं उस काव्य पाठ के कमरे को तीन बार साफ किया. ओके, देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, तब मैं धूल झाड़ने वाला कपड़ा पाया. एंड आई डस्टेड इट फोर टाइम्स, और फिर मैं इसे चार बार डस्ट किया, इसको जिसका धूल झाड़ा. ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, दीवार पर लकड़ी के जितने भी सामग्री लगे हुए थे, वुडवर्क लगे हुए थे, सबको साफ किया. एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच को मैंने डस्ट किया, साफ किया डस्टिंग क्लॉथ से, टेबल को और डेस्क को. आई वेंट ओवर फोर टाइम्स विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, इन सभी चीज़ों पर, मीन्स बेंच, टेबल, डेस्क, इन सब पर अपने डस्टिंग क्लॉथ से चार बार गया था, चार बार पूछा. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड, फर्नीचर के जितने भी फर्नीचर थे सबको खिसकाया गया था. एंड एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर, तथा प्रत्येक अलमारी और प्रत्येक कोना इन द रूम, रूम में, हैड बीन थॉरली क्लीन, पूर्ण रूप से क्लीन किया गया. स्टूडेंट्स, इसके आगे हम आप देखते हैं कि आई हैड द फीलिंग, मेरे अंदर ये भाव था दैट इन अ लार्ज मेजर, कि काफ़ी हद तक माई इन अ लार्ज मेजर काफ़ी हद तक माई फ्यूचर डिपेंडेंट
डिपेंडेड, मेरा भविष्य निर्भर था अपॉन द इम्प्रेशन, उस प्रभाव पर आई मेड जो मैं बनाता अपॉन द हेड, हाँ जो मैं बनाया था उस टीचर पर, इन क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, उस रूम की सफाई करके। व्हेन आई वाज थ्रू, जब मैं पूर्ण कर लिया, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, मैंने हेड टीचर को सूचित किया। शी वाज अ यंकी वूमन, वह यंकी वूमन थी, महिला थी, हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, वो जानती थी कि धूल खोजने के लिए कहाँ देखा जाए। शी वेंट इन टू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट्स, वह रूम में गई तथा फर्श और अलमारियों की जांच की, निरीक्षण की, इंस्पेक्ट की। देन शी टुक हर हैंडकरचीफ, तब वह अपनी रूमाल ली एंड रब्ड इट ऑन द वुडवर्क, फिर उसे लकड़ी के बने हुए सामान पर घिसी, अबाउट द वॉल्स, दीवारों पर घिसी, एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेज, टेबल और बेंच पर उसको घिसी। व्हेन शी वाज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट ऑन द फ्लोर, जब वह फ्लोर पर, फर्श पर धूल का एक भी कण पाने में सक्षम हो रह गई, और पार्टिकल ऑफ डस्ट या धूल का एक भी पार्टिकल, एक भी कण पाने में सक्षम हुई, नहीं पा सकी, कहाँ, ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, किसी फर्नीचर पर, तो शी क्वाइटली रिमार्क्ड, वह शांत पूर्वक बोली, टिप्पणी की, अर्थात बोली, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, मेरा अनुमान है कि इस संस्था में प्रवेश पाने में आपका कार्य चल जाएगा, अर्थात आप प्रवेश पा जाएंगे, ऐसा वह बोली। देन स्टूडेंट्स, आई वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन द अर्थ, तो मैं पृथ्वी पर सबसे प्रसन्न आत्माओं में से एक था, सबसे प्रसन्न व्यक्तियों में से एक था। द सीविंग स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस रूम की सफाई अर्थात उसमें झाड़ू लगाना, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, वही मेरा क्या था, कॉलेज एग्जामिनेशन था। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशंस, मैं कई परीक्षाएं पास किया हूँ सिंस देन, तब से, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मैं हमेशा अनुभव किया हूँ, दैट दिस वॉज द बेस्ट वन, ये सबसे अच्छी परीक्षा थी आई एवर पास, जिसको मैंने कभी पास किया था। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर यंकी वूमन जो आया हुआ है, तो ये यंकी का मतलब अमेरिका के उत्तर पूर्व का निवासी, जहाँ पर धूल बहुत पाई जाती होगी, तभी उसने धूल कहाँ पाया जाए उसको वो जानती थी और खोजने का प्रयास की। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स, दिस लेसन हैज़ बीन कंप्लीटेड, लेसन पूरा हुआ, एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन, इस लेसन को आप समझ गए हैं, एंड यू हैव नोन द प्रॉब्लम्स विच द राइटर फेस्ड वाइल गोइंग टू अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन टू गेट क्वालिटेटिव एजुकेशन, कि गुणात्मक शिक्षा पाने के लिए महान संस्था में जाते समय किन कठिनाइयों का वो सामना किया, इसको आपने अभी देखा। स्टूडेंट्स, अब देर आर सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर आप इनका उत्तर दे लेते हैं तो समझिए कि आप टेक्स्ट ये समझ लिए हैं, लेसन समझ लिए हैं, और आप ट्राई कीजिएगा टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप देख रहे हैं 6 क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन देखिएगा, देन यू विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक यहाँ दिखाई दे रहा है, देन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हियर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो
आई होप यू विल राइट योर सजेशन एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.